अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। व्यूवर्स, आज छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, आज मुझे अपने घर वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि कल से मेरी ड्यूटी भी स्टार्ट हो रही है, मैंने अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। तो छोटी सी पारिशी बेबी को अब छोड़ के जाने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब जाना तो पड़ेगा। तो मैं अपना सफ़र स्टार्ट करूँ, मैं निकल आया हूँ घर से। कितना मुश्किल है अपनी छोटी सी बेबी को छोड़ कर वापस अपने घर जाने। बात तो है दिल की, दिल जो है वो पीछे छोड़ आया हूँ, और अब ये भी नहीं उम्मीद कि पता नहीं घर जाकर मेरा दिल लग जाएगा या नहीं लगेगा, लेकिन कोई नहीं, निकल आया हूँ। आगे अल्लाह का मेरी फैमिली, घर वाले, मेरे ससुराल वाले जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना मेरा ख्याल रखा, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। तो अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं पहुँच आया हूँ अल मदीना स्वीट्स एंड बेकर्स पे। तो यहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करता जाऊँ, कुछ घर वालों के लिए मिठाइयाँ वगैरह लेता जाऊँ। तो चलो इंटर होते हैं। तो यकीनन ये मिठाई देखकर आपका भी दिल चाहेगा कि हाय मज़े की चीज़ें हैं, तो चलो क्यों ना खा लें। तो कोई नहीं, खा सकते हैं आप। यहाँ से मैं आप पैकिंग करवाता हूँ, और ये लें जी, पैकिंग डन हो गई है। अब यहाँ पे मूड बना है कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो चलो जूस लिया है, वो जूस पीऊँगा और फिर से अपने सफ़र की तरफ चलूँगा। रास्ते में आते हुए ये एक छली वाला बैठा था, तो सोचा क्यों ना छली खा ली जाए, अच्छी चीज़ है वैसे। तो चले जी, एक छली भी ले ली है। रेस्ट हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। अब बारी आती है जो मिठाई मैं लेकर आया हूँ उसको तकसीम करने का टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। तो लें जी, अब इसको ढांप लिया है, और अब इस ट्रे को लेकर चलते हैं लोगों के घरों पे देने के लिए। तो ये पहला घर है जहां पे मैं आ गया हूं, दस्तक देता हूं ताकि कोई बाहर आए, ठीक है, और देकर नेक्स्ट मूव करता हूं। तो ये लें जी, ये दूसरा घर है, और इसी तरह ऑनवर्ड चलता रहेगा जी। तो व्यूअर्स, सारी मिठाइयाँ तकसीम हो गई हैं, जितने भी घर थे सब के घरों में तकसीम करके आ चुका हूँ। सब माशाल्लाह से बहुत खुश थे, और सबसे बड़ी बात इस बात पे खुश थे कि वो कह रहे थे लोग बेटे पे मिठाई तकसीम करते हैं बेटा होने पर, लेकिन आप बेटी होने पर तकसीम कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अल्लाह पाक की देन है, वो जिसे चाहे दे, क्योंकि जब सुना है कि जब अल्लाह पाक खुश होते हैं तो वो ज़मीन पर बेटी पैदा करते हैं, और जब अल्लाह पाक ने अपने बंदे को खुश करना हो तो उसे बेटा नसीब करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह पाक पर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमें बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है। और इसी तरह ऐसे लोगों से हम बहुत अच्छे हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा उनके घर पे, अपने ससुराल वालों के घर पे रहा हूँ, उन्होंने बहुत मोहब्बत दी है, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। आप सब की सपोर्ट का शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।